आज कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दूसरा वीडियो है। यदि आप लोगों ने इससे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल कॉन्सेप्ट प्लस पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज बहुत ही आसानी से नहीं मिलती है, उसको पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती है, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोग जितना परिश्रम करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोगों के लिए परिश्रम करूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सड़क 7500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज की दर 6% की गई है। आपका प्रिंसिपल कितना है? 7500 रुपये है और ब्याज की दर कितना है? 2% वार्षिक है और समय कितना है? एक वर्ष। तो देखिए, हम क्या करेंगे, पहले दर को ब्याज की दर आपका 4%, तो हमें दर को क्या करना है? 6 महीने में बदलना है। तो 6 महीने में कैसे बदलेंगे? इसमें 2 का भाग देंगे, यानी 4 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 2%, यानी 6 महीने का मतलब 6 महीने का ब्याज, तो कितना? 2%, यानी एक वर्ष में कितने होते हैं? 2 छमाही होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, बराबर हो जाएगा 2%। और समय कितना है? एक वर्ष, इसको भी हमें क्या करना है? छमाही पर रखना है, तो एक वर्ष में कितना छमाही? 2 छमाही, इसलिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, ये हो गया 2 छमाही। अब इसको उत्तर दिया गया, देखिए एक वर्ष के लिए हम क्या कर देते हैं? 1 खाना बना देते हैं और 2 वर्ष के लिए 2 खाना बनाते हैं। इसी तरह 2 छमाही, इसलिए 2 बार इसको क्या करेंगे? इसे लिख लिया। अब मूलधन कितना है? 7500 रुपये है और ब्याज की दर कितना है? 2%। हम क्या करेंगे? 7500 का 2% निकालेंगे, आएगा 150 और यहाँ भी लिखेंगे 150। अब इसका 2% कितना हो जाएगा? 3000। 150 का 2% कितना आएगा? 3000। अब यह कितना हो जाएगा? सबको जोड़ लेंगे, इसको इसको और इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, 150 150, 300 हो गया, 300 ये 3 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 300 3, ये क्या हो गया? एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और इसी को हम दूसरे में दर से करते हैं, अथवा तो देखिए ब्याज की दर कितना है? 2% आया है, इस 2% को हम क्या कह सकते हैं? 1/50। प्रिंसिपल यहाँ देखिए अमाउंट, तो प्रिंसिपल मान लिया कितना? 50, तो अमाउंट एक बढ़ गया, तो होगा कितना? 51। 2 छमाही आया, इसलिए इसको होगा लेंगे 50 और फिर 51। अब क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 50 का 50 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2500 और इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 2601। तो देखिए कितना बड़ा है? 101। देखिए आपका प्रिंसिपल है और यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 7500। क्या करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे, तो लिखेंगे 2500 बराबर 7500। तो 1 बराबर कितना है? यहाँ से इसको कटा लेंगे तो 3 बार में क्या होगा? कट जाएगा, तो हमें क्या चाहिए? सीआई चाहिए, कितना है? 101। यहाँ से 101 बराबर गुणा करा देंगे, ये हो गया 303। ये हो गया आपका 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन है, 1600 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ब्याज की दर त्रैमासिक। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है? 16000 रुपये और ब्याज की दर आर बराबर कितना दिया हुआ है? 20% और एन बराबर कितना है? 9 महीने। तो हमें क्या करना है? त्रैमासिक ब्याज ज्ञात करना है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 3 तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? तिमाही में बदलने के लिए इसमें 4 से भाग देंगे, तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका? 5%। और इसके बाद समय कितना है? 9 माह है, तो इसको पहले हम वर्ष में बदलेंगे, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, इसलिए इसमें हम 12 से भाग देंगे। और इसको तिमाही में बदलना है, इसलिए 4 से गुणा करेंगे।
कराएंगे चार तीन 12 दिन से करा लेंगे आपका तीन बार में कितना जाएगा तीन तीन बार में अब इसके बाद क्या करेंगे देखेंगे एक वर्ष के लिए एक दो वर्ष के लिए दो और तीन वर्ष के लिए तीन ब्याज के लिए कितना परसेंट है 5% इसका हम क्या करेंगे 5% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 800 फिर 800 को क्या करेंगे इसी तरह लिखेंगे और यहाँ भी 800 लिखेंगे अब क्या करना है इसका 5% लिखना है तो आप 100 का 5% कितना हो जाएगा 4 अब इस बार दिखाने में हम क्या करते हैं इसका दोगुना करके लिख देते हैं तो 40 का दोगुना हो जाएगा 80 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे इसका 5% निकालेंगे तो ये आपका इसका 5% कितना आ जाएगा 2000 अब सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या कितना हो जाएगा 800 16 और 324 और इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये होगा 2520 और ये 2022 यानी 2522 अथवा ब्याज की दर कितना आया है 5% आया है ब्याज की दर 5% तो हम 5% को क्या लिख सकते हैं 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20 इसमें कितना तिमाही आया है 3 तिमाही इसलिए हम क्या करेंगे इसको हम प्रिंसिपल मान लिए और ये हो गया अमाउंट तो ये 20 हमारा क्या है प्रिंसिपल है चेक हो गया अमाउंट कितना हो गया 31 हो जाएगा इसको हमें क्या करना है 3 बार लिखना 20 और फिर यहाँ पे 31 फिर 20 और फिर 31 और इन सब का बुरा करा देंगे जी हो जाएगा 8000 और इसका बुरा कराएंगे जी हो जाएगा 9261 तो कितना बड़ा है 1261 तो देखिए ये क्या आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है और ये टोटल अमाउंट है तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया ये भी क्या है प्रिंसिपल दोनों क्या हो जाएगा बराबर कितना लिखेंगे 16000 रुपये तो एक बराबर कितना लिखेंगे 2 रुपये ये 1261 है तो हम क्या लिखेंगे 1261 बराबर 2 का गुणा करा देंगे ये हो जाएगा 22 रुपये ये हो जाएगा चक्रवृद्धि अगला क्वेश्चन है करा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ज्ञात करें कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 16 गुनी हो जाती है दोगुनी होने में उसको कितना समय लग रहा है 6 वर्ष दोगुना होने में कितना समय लग रहा है 6 वर्ष तो कहा कि 16 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा तो हमें क्या करना है 16 गुना करना है 16 गुना को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 4 और समय और पावर का गुणा करा देंगे अगर 6 को 24 कैंसिल हो गया आपका 24 वर्ष यानी 24 वर्ष में क्या हो जाएगा 16 इसको दूसरे विधि से लगाते हैं अथवा मान लीजिए कि एक और ये क्या हो गया दोगुना हो गया तो दोगुना होने में कितना वर्ष लग रहा है 6 वर्ष फिर इसका दोगुना होने में कितना समय लगेगा 6 वर्ष अब ये दोगुना होगा तो कितना लगेगा 4 फिर इसका दोगुना होने में कितना समय लगेगा 6 वर्ष लगेगा यानी 6 वर्ष हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और फिर इसका दोगुना होने में कितना 6 वर्ष लग गया ठीक तो यहाँ पे 8 है इसका दोगुना हो जाएगा 16 अब देखिए टोटल समय कितना होगा यानी टोटल समय 16 गुना होने में कितना समय लग जाएगा 6 वर्ष तब तो दोनों ही निकल जाएगा 24 वर्ष अगला क्वेश्चन है करा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो ज्ञात करें कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 27 गुनी हो जाती है देखिए करा है 4 वर्ष में जो स्वयं की 3 गुनी हो जाती है यानी 3 गुना जो है उसको होने में कितना समय लग रहा है 3 गुना होने में 4 वर्ष लग रहा है तो कह रहा है कि वह 27 गुना कितने वर्ष में होगा तो आंसर लिखेंगे
27 गुना, तो 27 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, इस समय और इसके पावर का गुणा करेंगे, क्या लिखते हैं 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में क्या हो जाए स्वयं का 27 गुना हो जाए। तीसरे आते हैं, अथवा मान लीजिए अधिक का 3 गुना हो गया तो कितना वर्ष लग गया, 4 वर्ष, फिर इसका 3 गुना होगा 9, फिर इसको भी कितना लगेगा 4 वर्ष, फिर इसका 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 27, और 27 होने में कितना वर्ष, फिर 4 वर्ष, तो टोटल समय कितना हो गया, समय हो जाएगा आपका, क्या करेंगे सभी वर्षों को जोड़ लेंगे, 4 वर्ष 4 वर्ष और फिर 4 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कराइए देखिए निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए ब्याज की दर कितना है 4%, दर कितना है 4%, और समय कितना है 2 वर्ष है, ठीक, और 2 वर्ष के बाद जो है अमाउंट कितना हो जा रहा है 510 रुपये, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए खाना लिखते हैं और 2 वर्ष के लिए 2, अब इसके बाद देखेंगे वहां पे 4%, ठीक, 4%, और इसका भी क्या करेंगे 4%, कितना हो जाएगा 0.16%, अब सबको जोड़ लेंगे क्या कितना परसेंट हो जाएगा 4%, 8%, अब इसको जोड़ लेंगे तो 8.16% ये क्या हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट हो जाएगा चक्रवृद्धि 4%। तो हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी सालाना ब्याज, ये होता है आपका सालाना ब्याज, यानी 1 वर्ष का 4%, दूसरे वर्ष का भी 4%, दोनों का 8%, तो हमें 8% का मान चाहिए, तो इसका मान यही आएगा लिखेंगे 8.16% बराबर कितना 510 रुपये, तो हमें सालाना ब्याज निकालना यानी 8% का मान, तो इस मान को हम निकाल देंगे, तो लिखेंगे 510 गुणे 8, समझिए कितना 8.16, इसको करा लेंगे 8 कमा 8, आप गुना के 16, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे, लिखेंगे 510 गुणे 100 और नीचे 102, इसको कटा लेंगे 5 रुपये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 500 रुपये करा लेंगे। अब इसी को हम दूसरे में तर्क लगाते हैं, अथवा देखिए आपका दे दिया 4%, 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25, तो कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए, इसलिए हम 25 का वर्ग कर रहे हैं, 25 का वर्ग 2625, इसको मान लीजिए 300, ये हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया 300। तो देखिए 1 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, एक खाना, 2 वर्ष के लिए, अब इसका हमें क्या निकालना है 4%, तो 4% निकालेंगे 25 है, 625 का 4%, और फिर यहाँ भी 25, और 25 का कितना यानी 4% 4% को एक होगा 25, तो इसको हम लिखेंगे 1, यहाँ से सबको जोड़ देंगे जो हो जाएगा 51, क्या कितना हो जाएगा 51, ये क्या होता है SI होता है, और टोटल क्या होता है CI होता है, ठीक। तो हम 51 बराबर क्या लिखेंगे, आपका दिया था 510 रुपये, तो हम लिखेंगे 51 बराबर 510, तो बता लेंगे तो 1 बराबर कितना 10, हमें चाहिए 50 का मान यानी CI, तो 50 बराबर गुणा करके जो हो जाएगा आपका 500 रुपये, क्या हो गया सालाना। अगला क्वेश्चन है, करा एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सालाना ब्याज 300 रुपये हो, तो उसी धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। तो देखिए ब्याज की दर कितना दिया हुआ है आपका 6% दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दे दिया है, और SI कितना दे दिया है 300 रुपये, तो हम क्या करेंगे उसी तरह लगाएंगे, जानते हैं कि साधारण ब्याज दर हर साल क्या होता है एक बराबर होता है, ये 300 रुपये है, इसका मतलब कि पहले साल 150 रुपये बढ़ा है और दूसरे साल में कितना बढ़ा है 150, तो हम क्या करेंगे हमें
चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, इसलिए एक वर्ष के लिए एक खाना और दो वर्ष के लिए दो बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे एक वर्ष का कितना 150 और दूसरे वर्ष का भी कितना 150। अब क्या करना है, इसका जो है 6% निकालना है, 6% कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 309। क्या हो जाएगा आपका CIV। अब इसी को हम दूसरे मेथड से लगाते हैं अथवा चलिए एक वर्ष के लिए एक खाना, दो वर्ष के लिए दो खाना। हम क्या करेंगे, ब्याज का कितना 6% यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे 6, और ये क्या 6% यानी 6 का 6% कितना होगा 0.36 हो जाएगा। यहाँ से CI कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे जो हो जाएगा 6 6 12, और उसको जोड़ लेंगे जो हो जाएगा 12.36%। साधारण ब्याज क्या है 6%, 6% कितना परसेंट हो जाएगा 12%। इस 12% को हम क्या लिख सकते हैं 300 रुपये। हम चाहिए किसका, इसका मान 12.36% बराबर 300 और पूरे 12.36 और नीचे 12। अब इसको हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 309। अगला क्वेश्चन है, कराए एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये और साधारण ब्याज 100 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ब्याज है। समय कितना दिया है, एन बराबर आपका 2 वर्ष दे दिया है, और SI कितना दिया हुआ है 100 रुपये, और CI कितना दिया हुआ है 105 रुपये। हमें क्या क्या निकालना है, दर का मान निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि एक वर्ष के लिए क्या करते हैं, एक खाना बनाते हैं, दो वर्ष के लिए क्या देखिए साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, यानी ये हर साल क्या होता है, यानी साधारण ब्याज जो है हर साल एक बराबर होता है, इसका मतलब ये 2 साल में 100 रुपये बढ़ा है तो पहले साल कितना बढ़ा होगा 50 रुपये और दूसरे साल भी 50 रुपये। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे और यहाँ भी 50, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 105, तो ये कितना हो गया 50 50, 100 हो गया, बच गया कितना 5। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका आर मान लीजिए कि 8% निकाले कितना आ गया है 5। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 50 का 8% बराबर कितना 5, यहाँ से 50 बुरे आ गया परसेंट ज्यादा नीचे 100 बराबर कितना 5 निकल जाएगा, कितने बार में 2 बार में, 2 का यह बुरा करने के बाद बराबर कितना 10% और आ गया। अब क्या निकलना है प्रिंसिपल, तो देखिए अब मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ब्याज की दर कितना आ गया 10% आ गया, ब्याज की दर 10%। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं मान लीजिए मूलधन कितना ही हो गया, और इसका कितना 10% कितना बनेगा 50, फिर इसका कितना 10% कितना आएगा 5, तो हम क्या लिए हैं 3 ले लिए, और इसका कितना 10%, फिर जितना आ गया उसका 10%, तो 10% सबका निकालने के बाद कितना है 5 के बराबर लिखेंगे, 5 की बुलेट की का काम जो पूरा 10% बताएंगे नीचे 100 की बुलेट 10 बता में 100 और बराबर कितना 5, 0 0 कटा लेंगे, 0 0 कटा लेंगे, क्या आ जाएगा पी बताने 100 बराबर 5, और इसका इसमें बुरा कर देंगे पी बराबर कितना 500 रुपये, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, कराए एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ब्याज है। ब्याज की दर कितना दिया हुआ है r बराबर 3% और समय m बराबर कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, और SI कितना दिया हुआ है 150 रुपये। हमें क्या निकला है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी CI और SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर ज्ञात करना है।
हम क्या करते हैं, एक वर्ष के लिए एक खाना और दो वर्ष के लिए दो खाना बना देते हैं। तो कितना है, 150 रुपये। ये क्या है, दो वर्ष का साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल एक बराबर होता है, इसलिए हम इसको दो भाग में बांटते हैं, तो हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 75। अब क्या करना है, इसका 3% निकालना है। तो 75 का 3% कितना हो जाएगा, 2.25 आएगा। तो हमें क्या करना है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। ये आपका क्या है, अंतर। ये क्या है, अंतर। ये तो टोटल होता है साधारण ब्याज और पूरा देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो अंतर कौन सा आता है, यही वाला, यानी यही। और एसआई में अंतर कितने का, 2.25 रुपये। अब इसी को हम दूसरे मेथड से लगाते हैं। तो देखिए उसी जानकारी में बस पर समझे थे, एक वर्ष के लिए एक और दो वर्ष के लिए दो। परसेंटेज कितना है, 3 है, और यहाँ लिखेंगे 3। और इसका कितना, 3%। कितना आएगा, 0.09। और सबको क्या करेंगे, यानी इसी का हमें मान लेंगे, ये अंतर है। ठीक, 0.09% क्या है, अंतर है। और ये क्या है, साधारण ब्याज। ठीक, ऐसा ही कितना पड़ते हैं, 6%। ठीक, 6% का मान ले लिया है कितना, 150 रुपये। निकालना कितना है, 0.09% का मान तो लेंगे, 150 × 9, और यानी पॉइंट लगा लेंगे नीचे 100, और फिर 6 को भी नीचे और कटा लेंगे यहाँ से, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कटाएंगे 5 × 5 = 15 और 5 × 9 = 10। 3 से कटाएंगे, 2 बार में 3 से 9 से हो गया 9 बटे में 4 भागेंगे तो 2 को 10 में 2 5 और 15।